से पहाड़ों की आवाज आपकी आवाज। जय उत्तराखंड दोस्तों, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वैष्णो माउंटेन की लगातार खबरें देख रहे हैं और आप लोगों को प्यार से उन्हें मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा, कोरोना काल में हमने गांव-गांव की खबर, गांव-गांव से किस तरह से वहाँ पे प्रधान काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की परेशानी थी या किस तरह से वहाँ पे उन लोगों को खबरों को हमने आगे बढ़ाया और हमने खुद स्वयं मदद करी, चाहे सांसद से बात की हमने, चाहे किससे बात करी। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि जो लोग गांव में आ चुके हैं उनको किस तरह से वहाँ पे रोजगार मिलेगा, किस तरह से वहाँ पर लोग रहेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि जो कई सालों के बाद जो छोटी मोटी यहाँ नौकरियाँ कर रहे थे, पैसा नहीं था, गांव नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब इस कोरोना काल में उन्होंने घर वापसी की है, उनकी यहाँ नौकरी नहीं है, फैमिली को लेके गए हैं। कई लोग ऐसे हैं अभी क्वारंटाइन में हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कई साल पहले जो घर छोड़ा था आज वो किस स्थिति में है। अब ये सोचने विषय है कि उत्तराखंड सरकार जो 19 सालों से लगातार कोई नीति नहीं बना पाई है, अब घर वापसी पर क्या नीति बनाती है, मनरेगा से कितना मिल पाएगा। लेकिन अब वहाँ पे प्रधान लोग भी एकजुट हो गए हैं, उन्होंने चाहा है कि जो लोग गाँव पहुँच चुके हैं वो अब वहीं रहें, वहाँ खेती करें, मछली पालन हो या बकरी पालन हो, किसी से रोजगार के लिए उनको पैसे चाहिए, जॉब कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है, कई लोगों ने जॉब कार्ड बना दिए हैं, प्रधान लगे हुए हैं। हमने कलचिखाल से जायजा लिया, जहाँ पर 3710 के आसपास प्रवासी पहुँचे हैं और उसमें से कई प्रधानों ने कहा कि 50% लोग अब पहाड़ों में रहना चाहते हैं, लेकिन उनके रोजगार के लिए वो किस तरह से करेंगे, उस चीज़ की हमने वहाँ पर जायजा लिया। हमारे सहयोगी जगमुंडा ने देखे हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ एक बार फिर आप विकासखंड कलचिखाल ब्लॉक मुख्यालय में। मेरे साथ हैं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा सचिन भरजी डीपीओ साहब, और मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे राज्य में हमारे जो पौड़ी जिला है, कोरोना वैश्विक महामारी बीमारी कारण प्रदेश से जो बाहर हमारे प्रवासी लोग थे भारी संख्या में गाँव आ गए हैं और उनके सामने जो है रोज़गार के लिए बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, उनके पास रोज़गार की समस्या खड़ी है। तो हमारी जो राज्य सरकार है मनरेगा के तहत उनको काम दिया जा रहा है, तो उनसे जानेंगे कि क्या उनको मनरेगा के तहत काम मिलेगा, क्या उसमें है और कितने लोग आए। मेरे साथ है सचिन भट्ट जी, डीपो साहब। डीपो साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद डांगी जी। डीपो साहब, काफ़ी आप इस मनरेगा को बारीकी से जानते हैं, क्योंकि जो बाहर से बाहर से लोग गाँव आ गए उनके पास रोज़गार का साधन नहीं है और परिवार के परिवार गाँव आ गए। तो अभी आपको पता है कि उत्तराखंड में खेती किसानी जो पहाड़ का जो स्थिति है हमारे, खासकर कलचिखाल पौड़ी जिले की, बहुत ही दयनीय स्थिति खेती के मामले में। तो अगर उनको रोजगार का एकमात्र विकल्प है तो है मनरेगा, तो मनरेगा में आप इनको रोजगार देंगे जो बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी तक हमारे विकासखंड में 3700 लोग अभी विकासखंड कलचिखाल में पहुँच चुके हैं, जिसमें से 1100 करीबन नाबालिग बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं और जो अभी पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, और जो शेष बच्चे हैं हम उनका जॉब कार्ड बना रहे हैं, जो पहले से गांव में थे उनके जॉब कार्ड पहले के बने हुए हैं, और हम उनको मनरेगा के तहत कृषि, बागवानी, गौशाला, पशुबाड़ा और मुर्गी बाड़ा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे वो अपना स्वरोजगार बना सकें। और अभी तक हमने 52 जॉब कार्ड नए बना चुके हैं और उनमें से हमने 35 लोगों को रोज़गार दे भी दिया है, रोज़गार पर लगा भी दिया है। जी साहब, जैसे बाहर से लोग आए हैं उनके अकाउंट में तो क्या खाता कहीं भी हो उससे कोई दिक्कत? हाँ, उनका अकाउंट इस नरेगा में इससे मतलब नहीं कि उनका अकाउंट कलचिखाल ब्लॉक में होना चाहिए, उनका अकाउंट अगर दिल्ली, मुंबई और अन्य स्टेट से भी आए हैं, उनका अकाउंट वहाँ है, तो हम उनके अकाउंट को, उनका खाता नंबर लेके, उनका MICR कोड लेके, IFSC कोड लेके उनको फ्रीज करा रहे हैं और उनके उसी अकाउंट में पैसा चले जाएगा। अकाउंट खोलने की, नया अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डीपो साहब, कोई हर इनके लिए रोजगार लोग बाहर से आए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम सेल्फ रोजगार के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए हम उनके व्यक्तिगत मुर्गी बाड़ा और गौशाला, पशुबाड़ा, इसके बकरी बाड़ा के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ डीपीओ साहब सचिन भट्ट जी, जो लगातार बता रहे हैं कि वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको मनरेगा से रोजगार दिलाया जा रहा है। और अभी तक मैं बहुत सारे ग्राम सभाओं में गया, कई लोगों के जो 22 मार्च के बाद आए वो मनरेगा में काम भी कर चुके हैं और उनको जो है मजदूरी मिल भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है, एक राहत की बात है कि जो बाहर से जिनके पास रोज़गार नहीं है कम से कम उनको मनरेगा के तहत जो है काम मिल रहा है, और मनरेगा में जो है दिहाड़ी भी जो है 201 रुपये हो गई है। तो उनका जो है, अगर एक 10 आदमी का एक परिवार कोई गांव आया है और उसको अगर 2 आदमी को रोज़गार मिला है तो उसका जो है दिनचर्या चल सकती है। और फिलहाल ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया जाए। मैं जगमोहन डांगी, पहाड़ों के आवाज़, विकासखंड कलचिखाल। महावीर सिंह, कलचिखाल। इस विकास खंड के अंतर्गत
अभी तक जो बाहरी लोग जो आए हैं इसमें टोटल जो बाहर से आए हमारे पास वो हैं 3,610 लोग जी। और इसमें से जो हमारे आउट ऑफ स्टेट मतलब जिले से वह राज्य से बाहर के लोग हैं वो हैं 2,942 लोग, और राज्य के अंतर्गत जैसे देहरादून हरिद्वार वगैरह से आए हैं ये हैं 668 लोग। टोटल लोग जो हैं हमारे पास इस समय 37 के आसपास ये हैं 3,610 लोग हैं हमारे टोटल। तो इसमें हम लोग इनको जो है सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बाहर से भारी लोग आ रखे हैं, भारी संख्या में आ गए गाँव, और गाँव में इनके पास अब कोई रोजगार का विकल्प नहीं है, एकमात्र मनरेगा ही ऐसा है इनको जो है कि वैकल्पिक तौर पर इनको रोजगार दिया जा सकता है, तो मनरेगा में क्या साधन है इनको, क्या रोजगार किस तरह से दिया जा रहा है, क्या इनके रोजगार के लिए मनरेगा में है सर? मनरेगा में जिन लोगों के जॉब कार्ड नहीं है उन लोगों के तो हम जॉब कार्ड बना रहे हैं, जो परिवार के परिवार पूरे आ रहे हैं जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार के पुराने परिवारों के लोग हैं, जैसे कोई लड़का बाहर जा रखा था वो जो है बम्बई जा रखा था वो वहां से आया है, तो उसका परिवार के साथ जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको जी। और उसको भी 100 दिन का रोजगार देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जैसे मत्स्य पालन में इच्छुक हैं या मुर्गी बाड़े में इच्छुक हैं या अपने सब्जी वगैरह का कार्य करना चाह रहे हैं या खेती का कोई विशेष खेती करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम मनरेगा में उनकी योजनाएं भी बना रहे हैं जी। तो उसमें जो भी जितना होगा उसको जी के इस्टीमेट बना करके इस्टीमेट के अनुसार उसको जो है हम लागत देंगे, तो उसमें उनको जो है वो भी काम करेंगे और गांव के लोग भी उनमें काम कर सकते हैं। सर ये वीडियो साहब जैसे कि इनको खाता कहीं भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं किया, ये खाता खोलना पड़ेगा? ना ना, खाता कहीं भी हो उसका आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, और उसका खाता कहीं भी हो उसका पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो एटीएम है जी जी। तो एटीएम के माध्यम से वो जो है पेमेंट दे सकते हैं, अपना अलग से खाता खोलने की जरूरत नहीं है जी। तो अभी तक कोई है डिटेल की 20 मार्च के बाद जो लोग आए हैं कितने जॉब कार्ड नए बने होंगे कुछ? ये तो इस समय तो क्लियर नहीं है मेरे पास, लेकिन कम से कम हमने 30-35 लोगों के नए जॉब कार्ड बनाए हैं और करीब 100 के करीब लोग जो हैं हमारे जो है पुराने जॉब कार्ड के साथ सम्मिलित हुए हैं जी। उसमें उनको रोजगार मिल जाएगा? हाँ रोजगार मिल जाएगा। तो उनके दिन अलग से बढ़ेंगे कि वही जो 100 गारंटी है उसी में एडजस्ट होंगे कि एक्स्ट्रा दिन बढ़ेंगे? अभी तो 100 ही दिन का है प्राविधान, लेकिन कई बार हमको जो है शासन से निर्देश आ रहे हैं कि अगर इसमें जो है 150 या 200 दिन होते हैं जी तो उसका भी हम लोग उसमें तैयारी के लिए कहा। तैयार के ठीक ठीक आप काफ़ी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं बीडीसी के माध्यम से, यदि लोगों का कहना या ये जो मनरेगा का काम होता है गाँव में तमाम सीसी खड़िंचा पुस्ते समतलीकरण चेक डाम बहुत सारे, लेकिन उसका विशेष लाभ नहीं है, यदि अगर खेती किसानी से मनरेगा से जोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये बहुत ही बढ़िया बात एक आपने बोली है, जो कि जब से मैं विगत एक वर्ष से घर आया हूँ और ब्लॉक में आने जाना हुआ है, और तत्पश्चात जो है मेरी जनता ने मेरे ग्राम सभा जनता ने मुझे प्रधान चुना है, तो मैं लगातार ये आपके चैनल के माध्यम से ब्लॉक स्तर पे प्रमुख जी के पास और माननीय विधायक जी के पास जो है इस बात को बार बार उठा रहा हूँ कि जो खेती का काम है जिसमें कि ये अपनी भूमि समतलीकरण रास्तों का काम खड़िंजे का काम इस तरह से होता है, जो कि लगातार एक परंपरा बनी हुई है कि वह रास्ते ही ठीक करने हैं या भीड़े लगाने हैं, तो अगर इस चीज़ को ये मनरेगा के कार्य को खेती से जोड़ दिया जाए तो लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर खेती करने वाले हैं, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा हो गया है ये मतलब जो है सरकार का एक जो प्रोग्राम है कि उसमें लोग बड़े खुश रहते हैं वो काम करने के लिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो अगर उसको खेती से जोड़ दिया जाए तो लोग अपनी खेती पुनः उसी तरह से जो है कि करने शुरू कर देंगे जैसा कि पहले हुआ करता था। नमस्कार, मैं हूँ एक बार विकास खंड कल जी काली ग्राम पंचायत धारी में, और मेरे साथ यहाँ पे एक परिवार था क्वारंटीन में जिनकी अवधि आज समाप्त हो गई है, कल ये लोग अपने घर चले जाएंगे, और इन्होंने 14 दिन जो हमारे उत्तराखंड सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पूरी फॉलो किया है, पूरी तरह से उसका पालन किया है, इनको यहाँ पे शासन द्वारा खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। ये जो परिवार है ये 10-11 लोग हैं और 15 साल बाद गाँव आए हैं, और इनकी गाँव की घर की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, अभी इन्होंने अपना घर नहीं देखा कि घर की स्थिति क्या है, और इनका रोज़गार पूरी तरह से छिन चुका है लॉकडाउन के कारण, तो इस बीमारी के कारण कोरोना वैश्विक महामारी जो बीमारी चल रही पूरे विश्व में उसके कारण इनका जो नौकरी थी वो चली गई है,
अभी अपने पैतृक गांव आए हैं। अब इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी सहयोग करे, हमको रोजगार उपलब्ध कराए तो हम गांव में रहेंगे। तो थोड़ा मैं इससे बात भी करना चाहता हूँ कि आज आपके 14 दिन पूरा हो गए? हाँ जी, 14 दिन पूरा। अच्छा अच्छा, तो अब आपका क्या विचार है, गाँव में रहना? गाँव में। बच्चे भी गाँव में पढ़ेंगे? हाँ जी, बच्चे भी पढ़ेंगे। तो मकान उकान है क्या आपका? अब देखना पड़ेगा कल कितना टूटा है, क्या टूटा है, कैसा है। तो ये जो है कि अब कल देखेंगे घर जाके कि घर की क्या स्थिति है, और इनका कहना है कि अब वो गांव में रहेंगे, गांव में स्वरोजगार करेंगे और साथ में खेती बाड़ी भी करेंगे। तो हमारे सरकार के लिए एक बहुत अच्छी पहल है कि सरकार भी चाहती थी लोग गांव वापस आए और गांव बसाए। तो ये पूरा 10 आदमियों का परिवार है, गाँव में चहल पहल भी रहे, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ के स्कूलों में छात्र संख्या कम है वो भी पूरी हुई। मैं एक बार फिर पारों की आवाज़ के लिए कुमारी तनुजा रावत के साथ ग्राम धारी पौड़ी गढ़वाल। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थे सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखिया। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। Para massa, o nanene capa no papo cheta.